हिंदुस्तान के हालात को सही कीजिए, क्योंकि बद से बदतर आपने हालात कर दिए। उसके लिए एग्जाम्पल के साथ बोलती हूँ कि बिना एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी पे डिग्री नहीं है, तो हमारी डिग्री हम पढ़ के मेहनत करके लिए है, तो उसके बारे में एग्जाम्पल देती हूँ। जीडीपी को लगा के आपने 4 पे खड़ा कर दिया, और कितना नीचे जाएंगे और कितना हमारी इकोनॉमिक्स को नीचे गिराएंगे पता नहीं, उसके बारे में सोचिए मोदी जी। करोड़ों 2 करोड़ में नौकरी सृष्टि करूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। नौजवान बिना नौकरी के भटक रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में सोचिए मोदी जी। मैं तो समझती थी कि सिर्फ हिंदुस्तान की जनता मोदी जी पर नाराज है, लेकिन बारिश को देख लीजिए, इतने वर्षों में तो इतनी जोर से नहीं हुई थी बारिश। इस बार बारिश ने भी अपना रुद्र तांडव रूप दिखा दिया मोदी जी पर, जम के बरसी है बारिश, देख लीजिए बारिश का गुस्सा। लेकिन जो बारिश में लोगों के घर बहे हैं, लोगों को जो तकलीफ हुई है, सिर्फ आपने 10% लोगों को रिलीफ दिया है, क्या उन 90% लोगों का होगा? आज भी रास्ता देख रहे हैं, आज भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ मदद करेगी और घर बन, ऐसे लोगों के लिए घर बना के दीजिए। और कितने ही लोग देते हैं, हम फुटपाथ पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, अरे उनके लिए पक्के नहीं तो नहीं, कच्चे तो मकान बना के दे दीजिए मोदी जी। मॉब लिंचिंग के जब हम वीडियो देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आप हिंदुस्तान की जनता को ही सेफ्टी नहीं दे रहे तो बाहर से ला के क्या करें मोदी जी। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उन्नाव का केस ले लीजिए, आम जनता के लिए एक इंसाफ और आपके विधायक के लिए एक इंसाफ, विधायक को बचा रहे हैं, रेप किए हैं उनको बचा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं है मोदी जी। बंद कीजिए ये गुंडा राज, जहां खुद के मुल्क में ना तो घर है, ना तो सीधा खाने के लिए है, ना तो कपड़ा है, ना तो नौकरियां हैं, देखो भाषण सुन कीजिए मोदी जी। बाहर वालों को बाद में लाने का सोचिए, बंद कीजिए अपनी थानाशाही, क्योंकि जब कभी भी आग लगती है तो पानी डाला जाता है, मोदी और अमित शाह जी तो बार बार पेट्रोल डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने बहुत प्यार और विश्वास के साथ आपको जिता के लाया है, और सबने मिलकर एक ही नारा लगाया था, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ मोदी सरकार। और आपने क्या किया मोदी जी, हमने मांग लिए आपके अच्छे दिन, गलती हो गई भाई, हम मांग रहे कि हमसे गलती हो गई, आज हम आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो हमारे जैसे भी पुराने वाले दिन थे हमें लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए ये बर्बादी वाले अच्छे दिन, हमें दे दीजिए वो पुराने वाले दिन। अब इसके बाद एक नारा लगेगा, अब की बार मोदी की हार, अब की बार मोदी की हार, और कितना तकलीफ देंगे मोदी जी। सोचिए अदानी और अंबानी को हजारों करोड़ों के मालिक बना दिया और हिंदुस्तान की जनता को भूखा बना दिया, 2000 करोड़ रुपए आपने बच्चों की एजुकेशन से निकाला है, बच्चों के विकास को भी बर्बाद कर दिया, जो NRC के लिए आपने 1000 करोड़ रुपए जो बर्बाद किए उसका हिसाब कौन दे। पहले तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब कह रहे हैं बेटियों पे तंडे बरसाओ, जीएनओ की। कंफ्यूज हो गए हैं मोदी जी, कंफ्यूज क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, मासूम जनता पर गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। अरे मोदी जी याद रखिए, ये वही जनता है जो धूप में बारिश में लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर आपको वोट लगाता है, उनसे तो नहीं पूछा दिए, ये नासिक के बारे में कभी बोल नहीं लिया लोगों से, क्योंकि आपके हिसाब से लोग सिर्फ वोट डालने के लिए हैं, फैसला करने के लिए नहीं है। अरे गृह मंत्री जी, क्योंकि मोदी जी को तो बच्चे नहीं है, तो गृह मंत्री जी से पूछ रही हूँ मैं, वो गृह मंत्री जी आपके बेटे को अगर छोटा सा काटा भी छुपा तो दर्द होगा ना, तो उन गांवों का क्या जिन गांवों के 20, 22, 24 साल के बेटों के सीनों पे आपने गोलियां चलाई और उन्हें मार के घाट उतारने का वापिस ला के दे सकते हैं आप उन गांवों के बेटों को, और कितनी गोदे उजाड़ेंगे मोदी जी, और कितना खून खराबा देखने के बाद आपके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी, बता तो दीजिए। घट रहे हैं, सबको देख रहे हैं हिंदुस्तान की शान, सब गिरवी रख रहे हैं, सब हाथी कर रहे हैं, जो भारत पेट्रोलियम चला गया लाल किला भी को उसको भी गिरवी रख दिया।
कितने ही ऑटोमोबाइल की कंपनियां बनता हुआ, हमें तो ऐसे लग रहा है, सब लेडीज को लग रहा है कि बहुत जल्द मोदी जी हिंदुस्तान को भी गिरवी रख देंगे। हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जाके जो अपनी डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी थी ना, मोदी और अमित शाह को दान में दे। इसीलिए आज जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। मोदी जी, मैं आज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, यह सपना भी आपका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सपना भी आपका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि